हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इंस्टाग्राम पर मैंने बहुत सारे बिहाइंड द शूट रील शेयर किए थे और वो देखकर मुझे बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे कि आप कंप्लीट प्रोसेस शेयर कीजिए हमारे साथ। तो फाइनली वीडियो बन रही है। तो पहले हम सब कुछ सेटअप कर लेते हैं। पहले ये रहा हमारा सोनी A6400 और जो ट्रिगर हम यूज़ कर रहे हैं वो गोडॉक्स का X1 ट्रिगर। और ये फुल सेटअप अगर आपको देखना है तो डिटेल में मैंने शेयर किया है, उस वीडियो का लिंक आप आई बटन में देख सकते हैं। तो पहले इस कैप को हमें हटाना पड़ेगा ट्रिगर लगाने के लिए। और जो इस शूट के लिए हम लेंस यूज़ कर रहे हैं वो 56mm f1.4 यूज़ कर रहे हैं सिग्मा का, जो कि काफ़ी अच्छा लेंस है। तो चलिए इसे हम लगा देते हैं। और इसको जब हम माउंट करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट हो जाएगा कैमरा से, तो इसको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्टली ट्रिगर आप माउंट करो और हो जाएगा। ये रहा हमारा फ्लैश गोडॉक्स V860। ये एक वायरलेस फ्लैश है और ऑन कैमरा भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो ये आज के शूट के लिए यूज़ होने वाला है। और ये रहा इसका ब्रैकेट जिसमें हम फ्लैश माउंट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये सॉफ्ट बॉक्स काफ़ी अच्छा है और पोर्टेबल है। जब हम इसे फोल्ड करके रखते हैं तो बहुत ही कम जगह में ये आ जाता है। तो चलिए अभी ट्रिगर को फ्लैश के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। पहले हमें जो फ्लैश का वो स्लेव मोड ऑन करना है और उसके बाद हमें फ्लैश में ग्रुप और जो इंटेंसिटी है फ्लैश की वो हमें ट्रिगर में मैच करनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और जैसे ही वो मैच हो जाता है ऑटोमेटिकली फ्लैश कनेक्ट हो जाता है। तो चलिए हम एक बार सेटिंग्स देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि शटर स्पीड हमने 3000 रखा है, एपर्चर 1.4 पे रखा है और जो फ्लैश की इंटेंसिटी है वो हमने 1/2 पर रखी है। ऑलमोस्ट फुल पावर पर ही हम फ्लैश यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे शॉट्स हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर आप राइट साइड में देख सकते हैं मैंने एडिटेड इमेज डाली है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं यहाँ पर। आउटडोर शूट में हम फ्लैश इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि एक कंट्रोल लाइटिंग सिचुएशन में फ़ोटो काफ़ी अच्छी आती है, इसलिए हम फ्लैश यूज़ करते हैं। तो अगर आप भी आउटडोर में शूट कर रहे हो तो डेफिनेटली आप ट्राई कीजिए, फ्लैश के साथ शूट कीजिए, आपके फ़ोटो जो है वो काफ़ी अच्छे निकल कर आएंगे। और एक सबसे ज़रूरी बात, जब भी आप हार्ड सनलाइट में शूट कर रहे हो, जैसे कि आप देख सकते कि मैं दोपहर के टाइम पर शूट कर रहा हूँ, उस टाइम पर सनलाइट काफ़ी हार्ड होती है, तो आप ट्राई कीजिए कि शेडो एरियाज़ में जाकर शूट कीजिए। इससे आपको एक इवन लुक मिलेगा और एडिटिंग में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और ये भी ट्राई कीजिए कि एक ही शॉट को एक ही एंगल से मत लीजिए, 2-3 एंगल्स ट्राई कीजिए और उसमें से जो सबसे बेस्ट है वो आप क्लाइंट को दें। और बहुत लोग ये सोचते हैं कि एक एक्सपेंसिव कैमरा ही अच्छी क्वालिटी आपको दे सकता है, तो मैं आपको ये बात बता दूँ कि आपका कैमरा मैटर नहीं करता, आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। आप उन चीज़ों को कैसे यूज़ करते हो, आप उन चीज़ों का मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालते हो। तो सीखने पर फोकस कीजिए और एक्सपेरिमेंट करते रहिए, आपकी फ़ोटोग्राफी टाइम के साथ एक्सपीरियंस के साथ इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये कुछ बाकी शॉट्स आपके साथ में